हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और ये वीडियो में हम लोग पांच ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो आज आपको मुहूर्त ट्रेडिंग में बाय करना चाहिए, और जिसे बाय करने के बाद आपको नेक्स्ट दिवाली तक पॉसिबल है काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं। पांच ऐसे स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, अलग अलग सेक्टर से सेलेक्ट किए, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स में नेक्स्ट दिवाली तक हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजी। इसका स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। करंटली प्राइसेस चल रहा है 828, और मुझे लगता है नेक्स्ट दिवाली तक इसमें 950 से 1000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ से 10 से 15% का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है, और ये स्टॉक डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है। और आप देख सकते हो स्ट्रांगली अप ट्रेंड में, वीकली चार्ट है, स्ट्रांगली अप ट्रेंड में स्टॉक। इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। आप इसमें करंट रेट पर इन्वेस्ट कर सकते हो 950 से 1000 तक के टारगेट के लिए। सो पहला स्टॉक रहेगा HCL टेक्नोलॉजी बाय एट द रेट 828। नेक्स्ट स्टॉक होगा HDFC बैंक बाय। HDFC बैंक का भी स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और यहाँ से लगता है मुझे 1500 तक के लेवल्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। सो 1500 तक के टारगेट के लिए हम लोग HDFC बैंक बाय कर सकते हैं। अगर आप देखो HDFC बैंक ने काफी अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट पे, और मुझे लगता है यहाँ से 1500 तक के लेवल्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। सेकंड स्टॉक HDFC बैंक बाय रहेगा। थर्ड स्टॉक मुझे लगता है डाबर काफी अच्छा बाय रहेगा, क्योंकि डाबर का भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में स्टॉक है, और मुझे लगता है यहाँ से डाबर में 650 से 700 तक के लेवल्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। जो मैं टारगेट दे रहा हूँ वो नेक्स्ट दिवाली तक एक्सपेक्टेड है। सो 650 से 700 तक के टारगेट के लिए आप डाबर में इन्वेस्ट कर सकते हो। फोर्थ स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते जा रहा है, और डॉक्टर रेड्डी में मुझे लगता है यहाँ से 6000+ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। 6000 और 6300 ये पॉसिबल टारगेट हो सकता है डॉक्टर रेड्डी के लिए। इसका भी स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और इसमें भी हमें 10-15% का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक होगा हीरो मोटो। हीरो मोटो का भी स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक रैली हमें देखने को मिली, रिट्रेसमेंट हुआ है, और वापस हमें रैली देखने को मिल सकती है। हीरो मोटो में यहाँ से 3500-3600 ये पॉसिबल टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो 3500-3600 तक के टारगेट के लिए हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से 10-15% का रैली हमें देखने को मिल सकता है हीरो मोटो में भी। सो ये पांच स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए हैं दिवाली स्पेशल स्टॉक, और अगर आपको इन्वेस्ट करना आप कर सकते हो। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि लेट से आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो और 20,000 रुपीज पर स्टॉक में इन्वेस्ट करो। सो इस तरीके से आप 1 लाख रुपए में पांचों स्टॉक खरीद सकते हो 20,000-20,000 रुपए के वैल्यू के। और पांचों स्टॉक अलग अलग सेक्टर से मैंने सिलेक्ट किया है, और वीकली चार्ट और डेली चार्ट एनालिसिस करने के बाद मैंने सिलेक्ट किया है। और मैंने जो टारगेट दिए हैं वो आप टारगेट नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट दिवाली तक मुझे लगता है ये सारे स्टॉक्स में जो मैंने टारगेट दिए हैं वो आ सकते हैं। सो ये था दिवाली स्पेशल स्टॉक लिस्ट। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय द फेस्टिवल। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।